Hello students, so now we are doing chapter Animal Kingdom और in Animal Kingdom अभी तक मैं आपको 10 phylum पढ़ा चुकी हूँ और वो 10 के 10 phylum जो है नॉन कॉर्डेट्स की कैटेगरी में कहलाते हैं और अब जो हम आखिरी phylum पढ़ने वाले हैं दैट phylum इज कॉल्ड कॉर्डेट्स या कॉर्डेटा हम इसको कहते हैं। तो क्या ऐसा आ गया है अलग सा इस phylum के अंदर जो पीछे किसी भी phylum में नहीं था, तो चलिए इसकी हम बात करते हैं। तो पहला आपको जो टॉपिक दिया है वो यही है डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट, यानी कि किन फीचर्स से आप पहचान कर सकते हो कि ये एक कॉर्डेट है, ये एक कॉर्डेटा है। तो देखो चार ऐसे फीचर्स होते हैं, दैट इज़ नॉट अ कॉर्ड, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, फेरिंजियल गिल स्लिट्स एंड टेल। लेट अस टॉक ऑफ द फोर डायग्नोस्टिक फीचर्स। इसके अंदर आप देखेंगे आपको एक डायग्राम भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये फाइलम कॉर्डेटा की एक हमने बेसिक स्टेज बनाई है जो आपको इसके बारे में दिखाते हैं, जनरलाइज स्ट्रक्चर बनाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं नोटोकोड की। क्या कहा देखें नोटोकोड के बारे में, यहाँ देखो डायग्राम में ये है नोटोकोड, ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है दिस इज नोटोकोड। देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये नोटोकोड है। तो क्या है नोटोकोड के बारे में, कहते हैं ये एक सॉलिड सा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल हार्ड है ये। सो इट इज़ अ मतलब इसमें कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है अंदर की तरफ, सो इट इज़ अ सॉलिड अनजॉइंट, इसमें कोई जॉइंट्स नहीं दिखाई दे रहे आपको, इट इज़ अनजॉइंटेड और बिल्कुल स्टिफ है ये। ठीक है, स्टिफ मतलब कि ये इसकी जो मटेरियल की क्वालिटी है वो हार्ड है, बट येस इट इज़ अ फ्लैक्सीबल स्ट्रक्चर, ये फ्लैक्सीबिलिटी प्रोवाइड करता है बॉडी को। और ये कहाँ लोकेटेड है आपको दो साइड्स मैंने पहले भी बताई थी, जो टॉप पोर्शन होता है, जो बैक पोर्शन होता है उसको डॉर्सल कहते हैं और फ्रंट पोर्शन को हम वेंट्रल कहते हैं। सो ये डॉर्सल साइड है इसकी और ये वेंट्रल साइड है। तो कहते हैं कि नोटोकॉर्ड क्या चीज़ है, नोटोकॉर्ड एक सॉलिड सा हार्ड स्ट्रक्चर है, एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर है जो डॉर्सल साइड लोकेटेड है। ठीक है, ये हुआ अबाउट नोटोकॉर्ड। उसके बाद करते हैं डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड। देखिए नोटोकॉर्ड के जस्ट ऊपर यानी डॉर्सल साइड ही एक नर्व कॉर्ड है, यानी कि ऐसे जो बहुत सारे सिग्नल्स को कैरी करे और बीच में से ये खाली दिखाई दे रही है, इसीलिए कहा होलो। सो डॉर्सल है और होलो है, और नर्व कॉर्ड क्यों कहा, क्योंकि नर्वस सिग्नल को लेके जाएगी, तो डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड। फिर देखिए फेरेंजियल गिल स्लिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दिखा रखे हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स, क्या मतलब है ये, कहते हैं ये बहुत पतली पतली ना ओपनिंग्स हैं, ये सारे के सारी ओपनिंग्स हैं, ये जो फेरिंग्स का हिस्सा है, ये फेरिंग्स के साइड में ये कुछ ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें कहते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स। और एक है टेल यानी कि पोस्ट एनल पार्ट, यानी जो एनस आ गई, एनस ये देखिए एनस आ चुकी, तो एनस के बाद का जो स्ट्रक्चर है उस पार्ट को टेल कहते हैं। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो है ये हमेशा ही प्रेजेंट हो, ये हो सकता है बाद में जाकर रिड्यूस हो गई, पर कभी ना कभी ये चारों चीज़ें होती हैं, चाहे एम्ब्रियोनिक स्टेज पे हो, चाहे बाद में हो, कैसे भी हो, ये फोर फीचर्स ज़रूर प्रेजेंट होते हैं। तो फिर से चलिए एक बार बात करते हैं, तो जो भी कॉर्डेट होंगे उन कॉर्डेट की चार पहचान होगी, पेपर में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो चार पहचान ज़रूर होगी कॉर्डेट की। वन इज़ एक डॉर्सल साइड में सॉलिड सा एक स्टिफ बट फ्लैक्सीबल स्ट्रक्चर की प्रेजेंस, दैट इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। एक सॉलिड अनजॉइंट फ्लैक्सीबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड। फेरिंग्स के पास कुछ ओपनिंग्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, और एनस के बाद का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड पोस्ट एनल टेल। ये बाकी और पार्ट्स बनाए हैं दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ये चार फीचर्स उसके कॉर्डेट्स के ही स्पेशली फीचर्स हैं जो किसी और में नहीं पाए जाते। अच्छा बाकी फाइलम जैसे फीचर्स भी पढ़ लें ज़रा, और क्या करेक्टर्स हैं कॉर्डेट के, सिमेट्री बायलेटरल होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी वही एक्टो मीजो एंड एंडोडर्म, सेगमेंटेशन मिलेगी। ठीक है, वो बात अलग है कि सेगमेंटेशन इसकी जो है वो सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होगी, अगर इंटरनल होती तो यहाँ मेटामेरिक सेगमेंटेशन वर्ड यूज़ होता। तो लाइनिंग्स मिलेगी आपकी, है ना, बॉडी पर लाइनिंग्स ही लाइनिंग्स, राइट। ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑब्वियस ही बात है ऑर्गन सिस्टम लेवल पे आ चुके हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं। सिफिलाइजेशन यानी इन सभी के एंटीरियर पार्ट पर हेड ज़रूर मिलेगा। सिलोमेट, सब में सिलोम मिलेगा।
सिलोम यानी क्या थी? बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच की स्पेस जो मीजोडर्म से लाइंड है। एंडोस्केलेटन, इन सभी की बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो बॉडी को शेप देता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यानी माउथ और एनस दो सेपरेट पार्ट्स होंगे इनके। स्पेशल ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, अलग अलग ऑर्गन्स होंगे, रेस्पिरेशन का ऑर्गन अलग होगा एंड एक्सक्रीशन का ऑर्गन अलग होगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका मतलब ब्लड हर्ट से निकल के ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा। सेपरेट सेक्सेस यानी मेल एंड फीमेल वुड बी सेपरेट। गोनाड्स विद गोनोडक्ट यानी जो सेक्सुअल पार्ट्स होंगे उनसे डक्ट्स निकलेंगे, जैसे ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन भी कॉर्डेट है। ह्यूमन में देखिए टेस्टिस से निकलती है, वास डिफरेंसेस, ओवरी से निकलती है, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब एंड विदाउट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो जितने भी कॉर्डेट्स होंगे उनमें कोई भी ए सेक्शुअल मोड रिप्रोडक्शन का नहीं पाया जाएगा। सो ये हमने बात कर ली कि कॉर्डेट के क्या खास बातें हैं और बाकी फाइलम जैसी कौन सी मिलती जुलती बातें या कितना ज़्यादा वो और डेवलप हो चुका है। चलिए अब देखते हैं कॉर्डेट के कौन कौन से ग्रुप हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो फर्दर हमें आगे पढ़नी है फाइलम कॉर्डेट के अंदर। यानी अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेट। देखिए ये जो मैंने बनाया ये है क्लासिफिकेशन टेबल ऑफ फाइलम कॉर्डेट। कॉर्डेट फाइलम के तीन सब फाइलम हैं, राइट? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। फीचर्स किन फीचर्स के बेस पे हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ये तीन फाइलम आप पढ़ेंगे कॉर्डेट के। यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट, इन दोनों को मिलाकर एक में रखा जाता है, एक कैटेगरी में, जिसको प्रोटोकॉर्डेटा नाम देते हैं। फिर आप पढ़ेंगे जो वर्टिब्रेटास होते हैं उनके दो सेक्शन बनाए गए हैं, वन इज ए गनेथा एंड अनदर इज गनेथोस्टोमा। ए गनेथा एंड गनेथोस्टोमा, ए गनेथा में सारे के सारे जॉलेस वर्टिब्रेट्स आएंगे, यानी जिनमें जॉ नहीं होते, जबड़े नहीं है, जिनमें दांत पेट हो, जॉड वर्टिब्रेट्स जो सारे के सारे गनेथोस्टोमा में आएंगे। ए गनेथा के अंदर क्लास जो है आपकी ऑस्ट्राकोडर्मी एंड क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रैकोडर्मी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ये अभी एग्जिस्ट नहीं करती, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना। साइक्लोस्टोमेटा एक ज़रूर पढ़ना है। तो जॉलेस का जैसा ही नाम आए तो साइक्लोस्टोमेटा के बारे में आपसे बात की जा रही है। फिर जॉ वाले हम दो सुपर क्लासेस पढ़ेंगे, एक सुपर क्लास पढ़ेंगे पाइसिस की यानी फिशेस की और एक पढ़ेंगे हम टेट्रापोडा के बारे में, राइट? ओके, उसके बाद सुपर क्लास पाइसिस की बात करते हैं यानी ट्रू फिशेस की बात करते हैं। तो दैट इज क्लास पेलेकोडर्मी, कॉन्ड्रोकाइटिस, ऑस्टियोकाइटिस। पेलेकोडर्मी यानी फॉसिल्स बन चुके हैं ये, ठीक है, ये हमें नहीं पढ़ने हैं। कॉन्ड्रोकाइटिस हम पढ़ेंगे कार्टिलेजिनस फिश की कैटेगरी, ऑस्टियोकाइटिस पढ़ेंगे हम बोनी फिशेस की कैटेगरी। उसके बाद पढ़ेंगे हम सुपर क्लास टेट्रापोडा, टेट्रापोडा यानी चार पैर वाले, फोर लिम्स हो जिनके अंदर, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स, राइट? तो ये हमें जो कैटेगरीज पढ़नी है ये सारी की सारी कैटेगरीज हमें पढ़नी है अपना फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। तो ध्यान रखेंगे वी विल बिगिन विद द यूरोकॉर्डेटा एंड वी विल एड विद द मैमेलिया। तो मैमेलिया पढ़ने के साथ हमारा जो चैप्टर है एनिमल किंगडम वो ख़त्म हो जाएगा। बट इतनी सारी क्लासेस, सब क्लासेस, सब फाइलम या सेक्शन देख के ये बिल्कुल भी ना सोचे कि ये लार्जेस्ट है। कीप इट इन योर माइंड दैट द लार्जेस्ट फाइलम इज स्टिल द आर्थ्रोपोडा, ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट होता है नंबर ऑफ मेंबर्स से, तो उसके नंबर ऑफ मेंबर्स सबसे ज़्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले सब फाइलम से, एंड दैट सब फाइलम इज़ यूरोकॉर्डेटा। तो कहते हैं यूरोकॉर्डेटा के अंदर क्या कुछ है, आइए देखते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, क्या फीचर्स हैं इसके। कहते हैं सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में आप देखेंगे कि इसका जब वो लार्वा स्टेज पे है तब तो वो मोटाइल होता है, बट जैसे ही ये लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होते हैं यानी चेंजेस होते हैं और ये एडल्ट बन जाते हैं, तो एडल्ट स्टेज जो है वो सबस्ट्रेटम से, सरफेस से अपने आप को फिक्स करके रखती है। तो यूरोकॉर्डेट में लार्वा इज मोटाइल जबकि एडल्ट इज नॉन मोटाइल, राइट? इम्पॉर्टेंट बात इसकी ये है दैट यूरोकॉर्डेट्स आर ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकेटा, क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर एक लेदरी कवरिंग होती है, दैट इज ट्यूनिक, इसीलिए इसका नाम देते हैं ट्यूनिकेटा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ट्यूनिकेटा हम किस सबफाइलम को कहते हैं,
नेक्स्ट इसमें बताया गया कि जब देखिए नोटोकॉर्ड, हमने कहा नोटोकॉर्ड होगी, मैंने ये पहले ही आपको कहा था कि ये कभी ना कभी होंगे, ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी लाइफ हो। तो इनने कहा कि जो नोटोकॉर्ड होती है सिर्फ टेल वाले हिस्से में होती है, लार्वा के, सिर्फ लार्वा के टेल में प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड, बट जैसे ही वो एडल्ट बनता है तो वो डिसअपियर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है उसकी नोटोकॉर्ड। उसके बाद उसने कहा डॉर्सल नर्व कॉर्ड, वो भी लार्वा में प्रेजेंट होती है बट एडल्ट में हो जाके ये जो नर्व कॉर्ड होती है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, इसकी जगह भी गैंग्लियॉन्स आ जाते हैं, यानी न्यूरोन्स के मास आ जाते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा यूरोकॉर्डेटा के बारे में, हमने कहा लार्वा इज़ मोटाइल वेयर इज एडल्ट इज़ नॉन मोटाइल, एडल्ट हैज़ अ कवरिंग ऑफ लेदरी कवरिंग ऑफ ट्यूनिक, दैट वाई इट इज़ कॉल्ड ट्यूनिकेटा। फिर नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा के टेल में है, बाकी नहीं है, एडल्ट में ख़त्म हो जाती है। डॉर्सल नर्व कॉर्ड जो है वो लार्वा में होती है और बाद में इसकी जगह गैंग्लियॉन्स आ जाते हैं। और क्या फीचर्स हैं देखते हैं, और फीचर्स आपको बताए गए कि जो फैरिंग्स है, फैरिंग्स इज परफोरेटेड बाय लार्वल गिल्सलेट्स, वही गिल्सलेट्स जो आपको पढ़ाए गए वहीं पर फैरिंग्स होगा। और इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे एस्केडा, सल्पा, डॉलियोलम, ये आपके एग्जाम्पल हुए सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। अब चलते हैं चलिए दूसरे सब फाइलम पे, दैट इज़ सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। तो देखते हैं इसमें क्या फ़र्क है। कहते हैं एडल्ट और लार्वा दोनों मोटाइल है, नाउ वी विल कंपेयर। उसमें सिर्फ लार्वा मोटाइल था, एडल्ट नॉन मोटाइल था, यहाँ पर दोनों ही स्टेज मोटाइल हैं। उसमें जो नोटोकॉर्ड थी सिर्फ लार्वा के टेल में थी और एडल्ट में ख़त्म हो गई थी, यहाँ पर नोटोकॉर्ड पूरी है हेड से टेल एंड इट परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। यानी कि देखो एक तो वहाँ टेल में थी, उसकी जगह यहाँ हेड टू टेल पूरी बॉडी पर है, फिर उसमें सिर्फ लार्वा स्टेज में थी और इसमें पूरी लाइफ है, ये खास बात है इसकी। नेक्स्ट इज जो फेरेंचियल ग्लियल स्लिट्स हैं उसके कंपेयर में उसका नंबर यहाँ ज़्यादा हो जाएगा और बहुत बेटर उससे डेवलप होंगे और टेल उसकी पूरी लाइफ यहाँ पर होगी। इसका एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको एम्फियोक्सिस या लेंसलेट नाम से भी जाते हैं, पेपर में ज़्यादातर एम्फियोक्सिस के नाम से ज़रूर पूछा जाता है। तो ये एग्जांपल आप इसका ज़रूर याद रखें। तो ये जो दोनों मैंने आपको पढ़ा है सिफेलोकॉर्डेटा एंड प्रोटोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा, इन दोनों को मिला के कहते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। इनके बारे में आपको यही याद रखना है कि दोनों में नोटोकॉर्ड ही थी, नोटोकॉर्ड की जगह कुछ और नहीं आया। जबकि जब मैं आपको फाइलम सब फाइलम वर्टिब्रेटा पढ़ाऊंगी देन यू विल केम टू नो कि इसके अंदर नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होती है और जैसे जैसे ये एडल्ट बनता है तो उसकी नोटोकॉर्ड जो है उसकी जगह वर्टिब्रल कॉलम आ जाती है, इसीलिए उसको नाम वर्टिब्रेटा नाम दिया। तो प्रोटोकॉर्ड वो जिनमें हम जब भी रहेगी तो नोटोकॉर्ड रहेगी, नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगी, बट वर्टिब्रेटा वो जिनके अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज पे तो आपकी नोटोकॉर्ड होगी और बाद में जाकर उसकी जगह वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगी। तो ये हम पढ़ चुके हैं यूरो एंड सिफेलो, याद रखेंगे सबसे मेजर डिफरेंस इसमें यही है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन लार्वा ओनली इन द टेल पोर्शन एंड ओनली इन लार्वा, इट प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड हेड टू टेल थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, दिस इज प्रोटोकॉर्डेटा, इसको ट्यूनिकेटा नाम इसका ज़रूर याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल एम्फियोक्सिस ज़रूर याद रखिएगा। सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी सबफाइलम वर्टिब्रेटा।